विकासखंड मानपुर में बाल अधिकारियों के संरक्षण विषय पर विभागीय अधिकारियों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक श्रीमती तेज कुंवर नेताम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा की गई। बैठक के दौरान जिले के एस जयवर्धन कलेक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। बाल आयोग के सचिव प्रतीक खरे द्वारा बाल आयोग द्वारा जिले स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाना है ताकि प्रत्येक बालकों के संरक्षण सुनिश्चित किए जा सके। स्कूल एवं छात्रावास में बुनियादी सेवाओं को प्रदाय करते हुए आधारभूत अधोसंरचना को बेहतर बनाने हेतु निर्देशित किया गया। मोहला मानपुर चौकी कलेक्ट्रेट एस जयवर्धन द्वारा सभी विभागों को बाल संरक्षण के दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बाल श्रम एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु सतत रूप से जिले स्तर कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु सभी संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। जिला मोहला मानपुर चौकी के पुलिस अधीक्षक बाई अक्षय कुमार द्वारा यह बताया गया कि विधि से संघर्षरत बालकों किशोर न्याय बोर्डो एवं देखरेख तथा संरक्षण वाले बालकों के मामले संज्ञान में आने पर बाल कल्याण समिति में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के तहत मानपुर विकास खंड के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सचिव द्वारा अध्ययन में गुणवत्ता लाने व सकारात्मक सोच विकसित करने तथा बच्चों एवं शिक्षकों के बीच सामंजस्य स्थापित किए जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चलचित्र के माध्यम से प्रेरक फिल्मों के माध्यम से पैच जिसमें चलचित्र के माध्यम से प्रेरक फिल्मों के माध्यम से सचिव प्रतीक खरे द्वारा रोचक सभी शिक्षकों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में जनपद पंचायत मानपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीडी मंडली के द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।